इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आज हम बात करने वाले बेसिक तौर पे, हमने कल पढ़ा था चार्ज। ओके, तो आज बात कर रहे हैं कि चार्ज का जो फ्लो है वो किससे होगा, यानी चार्ज का फ्लो जिससे होता है उसको कंडक्टर बोल सकते हैं, और जिस मटेरियल से नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। तो इस इलेक्ट्रिक करंट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, चार्ज इन मोशन। चार्ज जो होता है वो मोशन में होता है, जो मोशन में चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, या करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको बोल सकते हैं। तो हेंस इट इज द आवर इंटरेस्ट टू नो दैट द सब्सटेंसेस वी अलाउ द चार्ज टू फ्लो थ्रू देम इजली एंड विच द रेसिस्ट इट अकॉर्डिंग द सब्सटेंसेज एज क्लासिफाइड एज ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो बेसिक तौर पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं, हमें ये जानना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंसेज है जो चार्ज को अपने से पास होने देता है, फ्लो होने देता है, और कौन ऐसे सब्सटेंसेज है जिसे चार्ज पास होता नहीं है। तो एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए, दुनिया में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो चार्ज तो पूरी तरह से पास होने दे, वो कुछ ना कुछ उसको रेसिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है। और यही एक वजह है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है उतना आप यूज नहीं करते, कुछ जो पार्ट है वो वायर उसको रेसिस्ट कर लेता है, वायर में ही वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कंडक्टर, ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो कौन सा है, कंडक्टर। तो कंडक्टर होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। द सब्सटेंसेज विच द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजली कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जिस सब्सटेंसेज में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो कंडक्टर कहलाएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि सिंस पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट फ्लो, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द प्राइमरीली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द कंडक्टर हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, हमेशा जो चार्ज फ्लो करता है वो निगेटिव चार्ज फ्लो करता है। किसी भी कंडक्टर से कौन सा चार्ज फ्लो करता है, निगेटिव चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि वो फ्री रहता है। और जब फ्री रहता है, आपने क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और वो फ्री होने के कारण तो वो इजिली फ्लो कर पाता है, ठीक है। तो कौन ऐसे सब्सटेंसेज है जिससे इजिली चार्ज फ्लो करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है सबसे पहले जितने टाइप के मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने मेटल हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ज्यादातर कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, द सब्सटेंसेज व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो होता है खुद से अपन वो किसी भी वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे चार्ज का फ्लो नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में फ्रीली होते हैं, लेकिन वो जिस सब्सटेंसेज से होके फ्लो करता है, ठीक है, वो सब्सटेंसेज कंडक्टर होगा। जिस सब्सटेंसेज से वो फ्लो नहीं करेगा वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो बेसिक तौर पे इंसुलेटर कौन से होते हैं, तो इंसुलेटर को अगर हम समझते हैं तो इंसुलेटर कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स में आते हैं बेसिकली वुड, अगर देखा जाए रबड़, ओके, माइका, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए।
तो इन सब के बाद आते हैं, ये तो हमारा ये हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर जिससे चार्जेस फ्लो करते हैं। तो इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करेंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट होता क्या है, किसको इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करेंट किसको बोल सकते हैं हम, एक लाइन का डिफाइन अगर करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करेंट। जो चार्ज का फ्लो होने का रेट है वही तो इलेक्ट्रिक करेंट है। इलेक्ट्रिक करेंट आप खुद में कुछ नहीं है, चार्ज फ्लो हुआ तो करेंट हुआ, चार्ज फ्लो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक करेंट नहीं हुआ। तो फ्लो ऑफ चार्ज, उसका फ्लो होने का जो रेट है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, बात समझ में आ रही है। The rate of flow of charge is called the electric current. It is denoted by I. Current को I से denote करते हैं, capital I से, ठीक है। और charge को किस से denote करते हैं, Q से, आप पहले पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि current is equal to क्या होगा, current किस से denote करते हैं, I से। तो current is equal to क्या होना चाहिए, अब बताओ। तो आप अगर किसी भी चीज का रेट निकालते हैं तो पर यूनिट टाइम ही को ही, रेट क्या होता है, पर यूनिट टाइम। तो अगर मान लीजिए चार्ज को, पूरे चार्ज को फ्लो होने में 1 आवर का समय लगता है या 10 मिनट्स का समय लगता है, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही करंट है। समझ में आ रही होती, 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो हुआ, ये अगर आप निकाल रहे हैं बाय द वे रेट, तो पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ वो क्या हो गया, करंट। क्लियर है। तो करंट कैसे निकालेंगे, चार्ज बाय टाइम, जितना चार्ज है, जितना टाइम लगता है, पर यूनिट टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर बाय द वे 1 घंटा में बहुत सारा चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम हो गया 1 सेकेंड में, जितना फ्लो होगा हर सेकेंड में इतना ही फ्लो होगा। तो करेंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज का को क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक यहां से फॉर्मूला आ गया क्यू बाई टी, ये हो गया इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। अगर बाय द वे ये समझते हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अगर चार्ज को डिफाइन करना है तो चार्ज के बारे में अगर थोड़ा समझते हैं, तो हमने पता है ऑलरेडी, हमें पता है कि जो चार्जेस होते हैं, क्यू जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इच इलेक्ट्रॉन हैव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज रखता है। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो उतना ही चार्ज रखेगा। अगर Q इज इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है, इतना रखता है, मान लेते हैं इतना चार्ज रखता है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई, और ई क्या है, यहां पर इज इच इलेक्ट्रॉन हैव 1.6 × 10⁻¹⁹ कॉलम, तो ये हो गया E। बात समझ में आ रही है। तो यहां से भी Q निकाल सकते हैं एन ई करके, ओके। और यहां से भी Q निकाल सकते हैं, अगर I इक्वल टू क्यू बाई टी हुआ तो Q निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा आई टी, यहां पे Q क्या है, Q इज इक्वल टू चार्ज, क्लियर होना चाहिए आपको, समझ में आ रहा है, Q इज इक्वल टू चार्ज, I क्या है यहां पे, करेंट है, और T क्या है, टाइम, क्लियर हो गया। तो यहां से भी चार्ज निकाल सकते हैं। करेंट का SI यूनिट क्या होता है, अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि करेंट का SI यूनिट क्या होगा, ठीक है। करंट का SI यूनिट के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या देखेंगे, यहां पे देखिए,
करेंट अगर इसकी बात करते हैं, क्या है Q बाई टी। ठीक है, हमने हमें पता है कि जो Q है इसका SI यूनिट क्या होता है, कॉलम, यही होता है। और टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड। क्लियर है कि नहीं, टाइम का SI यूनिट सेकेंड। तो बोल सकते हैं कॉलम पर सेकेंड। तो कॉलम पर सेकेंड को अगर इस चीज को दिया था एम्पियर ने, तो एम्पियर के नाम पे करेंट का ये जो SI यूनिट है वो एम्पियर दे दिया गया है। तो कॉलम पर सेकेंड तो अपन क्या लिखते हैं, एम्पियर। क्लियर, या एम्पी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, तो हो गया एम्पियर। तो SI यूनिट ऑफ करेंट इज इक्वल टू एम्पियर, SI यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पेयर। बात समझ में आ रही है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल यूनिट ऑफ करेंट आर किलो एम्पेयर हो सकता है, मेगा एम्पेयर हो सकता है। तो थोड़ा और डिटेलिंग से अगर समझेंगे तो इस चीज को हम लोग, करेंट इज द स्केलर क्वांटिटी और SI यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पेयर, मल्टीपल ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंट आर किलो एम्पेयर एंड मेगा एम्पेयर। राइट नाउ, चलिए, वन एम्पेयर इज इक्वल टू व्हाट, एक एम्पेयर इज इक्वल टू क्या होगा। अगर वन एम्पेयर की बात करते हैं, द करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी वन एम्पेयर एंड द नेट फ्लो ऑफ द चार्ज पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वन कॉलम। तो यहां पे हमने निकाला ऑलरेडी, तो एक वन एम्पेयर इक्वल टू, अगर वन एम्पेयर निकालना है तो वन एम्पेयर इक्वल टू वन कॉलम पर सेकेंड, वन कॉलम पर सेकेंड, ये हो सकता है। ठीक है, जो भी हमारा पास एक कॉलम चार्ज अगर एक सेकेंड में किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो एक एम्पेयर करेंट होगा। समझ में आ रही है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसको बेहतर तरीके से हमें समझना होगा। दैट्स द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने ऑब्जर्व किया होगा, इट आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द वाटर फ्लो फ्रॉम द वन पैलेस हायर लेवल टू प्लेस द लोअर पोटेंशियल, लोअर लेवल मीन्स, तो जस्ट लाइक पोटेंशियल भी इसी तरह का है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कोई भी वाटर का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो अगर मान लीजिए पोटेंशियल है, ठीक है, तो उसका भी फ्लो जो है हायर से लोअर की तरफ होगा। ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट पैलेस पे अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है। किसी भी बॉडी में अगर देखा जाए, हीट का फ्लो किधर से होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। हीट का फ्लो किधर से होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर इज देयर इज चीज इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज एट द टू पॉइंट्स। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, चार्ज फ्लो फ्रॉम द ए बॉडी द हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी द लोअर पोटेंशियल। ओके, तो जिस तरह से वाटर का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है, जिस तरह से टेम्परेचर का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है, हीट का फ्लो का हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, उसी तरह पोटेंशियल का फ्लो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, बाय कन्वेंशन से पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल इज कंपेयर्ड टू नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि
हायर पोटेंशियल हमेशा ही वहां होता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और लोअर पोटेंशियल वहां होता है जहां पे निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से समझना, हायर पोटेंशियल कहां होता है? जहां पॉजिटिव चार्ज होता है, और लोअर पोटेंशियल कहां होता है? जहां निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन्स, आयंस। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन्स आयन होता है। अब प्रोटॉन्स आयन फ्री टू मूव, दे वुड मूव फ्रॉम द हायर पोटेंशियल पॉइंट द लोअर पोटेंशियल पॉइंट। तो वो फ्री होता है मूव होने के लिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। यूजुअली द मोमेंट ऑफ चार्ज इंप्लाइज द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स क्लियर दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दूसरी पॉइंट ये है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट होता है वो फ्री होता है, पता है ना? तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूविंग हो रहा है, प्रोटॉन्स का मूविंग नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूविंग हो रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो दिस कंसीड्स द इलेक्ट्रॉनिक करेंट सिंस द कन्वेंशियल दैट फ्लो इज ऑलवेज हायर टू लोअर लेवल। द कन्वेंशियल करेंट इज टेकन अपोजिट द इलेक्ट्रॉनिक करेंट is the should be remained the conventional current that implies the moment of positive charge whereas electronic current is the moment of electrons। तो बोल सकते हैं अगर electrons का flow जो है negative से positive की तरफ होता है, लेकिन electronic current का flow जो है positive से negative की तरफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करेंट का फ्लो किधर से होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अगर यहां पे देखते हैं, बाय द वे, ठीक है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर करेंट का फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करेंट का फ्लो, तो इधर से इधर की तरफ होगा। ऐसा इस वजह से भी होता है, समझ लीजिए कि हमने पहले भी पढ़ा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करेंट है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो जो है यहां से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो यही कारण है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, करेंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो करंट का फ्लो लेफ्ट टू राइट होगा। बात समझ रहे? इन सब में मेन चीज होती आ रहा है कि जो पोटेंशियल की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पोटेंशियल जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में पोटेंशियल एक पॉइंट पे कुछ और है तो दूसरे पॉइंट पे कुछ और हो सकता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। दिस कैन बी इंक्रीज बाय द ब्रिंगिंग चार्ज एट द पॉइंट। इन द डूइंग द सम वर्क हैज टू बी डन ऑन द चार्ज। दिस वर्क इज स्टोरेज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। The electric potential can be measured in the term of work done by defined as the work done is the bringing unit the positive charge from infinity to a point is electric field is called the electric potential। Like अगर बात कर रहे हैं कि चार्ज को, चार्ज जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो चार्ज फ्लो हो रहा है, इन्फिनिटिव से चार्ज आ रहा है, फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है,
तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज को फ्लो होगा तो वर्क को तो करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो अगर वो वर्क करता है बाय द वे चार्ज, तो वहां पे वर्क कर रहा है तो टाइम भी लगेगा। अगर जितना ज्यादा वर्क कर रहा है तो उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, इस बात समझ लो। कम वर्क कर रहा है कम पोटेंशियल, ज्यादा वर्क कर रहा है ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है। तो बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ वर्क डन एंड इट्स द डिफाइंड एज द वर्क डन इज ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर दूसरे लैंग्वेज में समझे तो बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, ठीक है, वो कहां से आ रहा है पता नहीं, ठीक है, तो उसको पहुंचाने में जितना काम करना पड़ रहा है, जितना वर्क कर रहा है, और मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है चार्ज, चार्ज को पहुंचाना है, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा कि जितना जहां पे उसको पहुंचा रहे हैं, जितना काम किया और जितना चार्ज को कैरी करके लाए हैं, वही हो गया, उन्हीं का अगर रेट निकालते हैं तो पोटेंशियल्स हो जाता है। तो अगर आपको समझना है तो ऐसे भी समझ लीजिए कि ये हो गया पोटेंशियल क्यू, इन्फिनिटिव से ले आ दिए यहां पे, किसको ला रहे हैं क्यू को, ठीक है, यहां तक आते आते इसने काम किया क्यू वन, क्लियर। अगर यहां तक इसको ले जाते हैं तो ये काम कर देता है क्यू टू, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो जितना काम किया और कितना पहुंचाए, ये यानी पोटेंशियल भी इज इक्वल टू क्यू वन बाई क्यू। लेकिन अगर यहां तक तो पहुंचाएगा तो ज्यादा काम करेगा, ये पोटेंशियल दूसरा हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को अलग अलग पॉइंट पे अगर अलग अलग पोटेंशियल आता है, यू कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनरली अगर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर इन वोल्ट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको वोल्ट में मेजर करते हैं, या फिर बोल सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताते हैं तो क्या होता है वोल्ट, क्लियर है, क्या होगा वोल्ट। तो अगर वोल्ट की बात कर रहे हैं इज डिनोटेड बाय वी, क्लियर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी वन वोल्ट ऑफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन द ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटिव दैट पॉइंट। अगर मान लेते हैं ये टोटल वर्क आ गया, तो वन यूनिट जितना, सॉरी वन जूल वर्क किया, ठीक है, बाई वन कॉलम, इक्वल टू वन वोल्ट, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरल सी बात है, पोटेंशियल्स इस तरह से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस तो आपको समझ आ गई थी। अलग अलग जगहों पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो अलग अलग जगहों पे पोटेंशियल जब अलग अलग होगा तो उसके बीच का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अलग से डिफाइन नहीं करना तो क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं बाय द वे, तो कैसे निकालेंगे, वी वन माइनस वी टू, क्लियर है, वी वन माइनस वी टू, तो ये निकालेंगे वी वन माइनस वी टू, तो डब्ल्यू बाई क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अलग अलग जगह पर अलग अलग पोटेंशियल, वी वन पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, अलग अलग जगह पर अगर पोटेंशियल से निकालते हैं तो ये मान लो पॉइंट ए है ले लो, और ये पॉइंट बी है, तो वी वन एट पॉइंट वन बी, सॉरी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फाइव जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग 12.5 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ ए कंडक्टर
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, 5 जूल का काम करता है एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 12.5 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक चीज तो पता है कि चार्ज कितना है, चार्ज ऑलरेडी हमें पता है, क्यों ऑलरेडी पता है, क्वेश्चंस देख लीजिए उसके बाद आते हैं, क्यों ऑलरेडी पता है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12.5 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 × 10^-19, और यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 12.5 × 10^18, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाई द वे तो क्या आएगा, 1.6 × 12.5 × 10^-1, क्लियर है, 2 कॉलम आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 कॉलम के करीब आएगा, तो ये चीजें आ गई हमारे पास, तो कितना है 5 जूल, ठीक है, हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ऑलरेडी हमें पता है, तो क्या होगा 5 जूल/2 यानी 2.5 वोल्ट, क्लियर है, 2.5 वोल्ट, पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q, समझ में आ गई बातें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.5 वोल्ट, ओके, व्हेन द चार्ज ऑफ 3 कॉलम वाज द ब्राउड फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट, कैलकुलेट द वर्क डन, ओके, तो हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वी का वैल्यू दिया हुआ है, वी इक्वल टू क्या है ऑलरेडी 0.5 वोल्ट, इतना वी का वैल्यू दिया है, चार्ज कितना है 3 कॉलम, हमें वर्क डन बताना है, तो हमें पता है पोटेंशियल इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू क्या होगा VQ, W इक्वल टू VQ, तो V का वैल्यू हमें पता है 3 यानी कि 1.5 जूल, आ गया, नेक्स्ट एग्जांपल देख लिए हम, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 int, ध्यान से सुनना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 int ऑफ ए कंडक्टर इज 10 volt and 5 volt, ठीक है, दो है V1 और V2, 10 volt and 5 volt रिस्पेक्टिवली, 5 जूल ऑफ वर्क need to be done to move certain amount of charge from into higher potential to lower potential, find the amount of charge flowing between 2 int, देखिए बाबू सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बहुत आसान है, तो यहां पे अगर बात कर रहे हैं, सपोज कि बोल रहा है कि पोटेंशियल्स दो है, एक है V1 is equal to 10 volt और V2 is equal to कितना है 5 volt, क्लियर है, V1 is equal to 10 volt एंड V2 is equal to 5 volt, वर्क डन हमें दिया हुआ है 5 जूल, ओके, हमें चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंसेज निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंसेज इज इक्वल टू क्या होगा 10 − 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है, तो चार्ज अगर हमें निकालना है तो V इज इक्वल टू W/Q, तो Q इज इक्वल टू व्हाट W/V, तो यहां पे ऑलरेडी हमें 5 जूल दिया है, पोटेंशियल भी 5 ही है, तो चार्ज क्या होगा 1 कॉलम, सो सिंपली सॉल्व कर देंगे इस तरह से, आ रहा है समझ में, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।